हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। इसके पहले हमने एक वीडियो में जो इरेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करना शुरू किया था सीआरपीसी में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 460 से लेकर के 466 तक सेक्शंस है जो कि इरेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है। तो उस वीडियो में हमने 460 और 461 के बारे में डिस्कस किया था सेक्शन, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशन होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे जिस समय में हम लोग प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ये दो सेक्शन हमने कवर किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ही आगे के वीडियोस को देखें, तो ही आपको जो है सीक्वेंस पता चलेगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसके बाद जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 462 से लेकर 466 तक डिस्कस करेंगे, और हमारा जो इरेगुलर प्रोसीडिंग्स है जो कि हमारा चैप्टर 35 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 462। 462 बात करता है अगर किसी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स अगर हुआ है किसी रॉन्ग प्लेस में, ये बहुत ज़रूरी है। अगर अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होकर किसी और जगह पे हुआ है तो क्या होगा, तो जस्ट सिर्फ इस ग्राउंड पर कि वो ज्यूरिसडिक्शन में उसके नहीं आता है तो इट द सेंटेंस और ऑर्डर जो पास हुआ है वो सेट असाइड नहीं किया जाएगा मियरली ऑन दैट ग्राउंड अनटिल एंड अनलेस कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ हो। अगर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है तो वैसे प्रोसीडिंग्स को जो है वो इरेगुलर नहीं करेंगे, विशिएट नहीं कर देंगे, ठीक है। तो 462 यही कह रहा है, मैं रीड करती हूँ, आप लोग सुनिए। इफ़ द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड इन अ रॉन्ग प्लेस, जैसे मैंने अभी बताया विदाउट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तो क्या होगा, देन द फाइंडिंग्स या सेंटेंस और ऑर्डर शैल नॉट बी सेट असाइड मियरली ऑन दैट ग्राउंड अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस हैज ऑकेजन, ठीक है। जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो जा रहा है, सिर्फ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं हुआ है, इस वजह से इस ग्राउंड पे जो है उस ऑर्डर को या सेंटेंस को या फाइंडिंग्स जो भी निकला है उसको सेट असाइड नहीं कर दिया जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन 463, ध्यान से सुनिए। 463 बात करता है नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 एंड 281। तो 164 और 281 जो है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट को लेकर बात करता है। तो क्या कह रहा है, अगर कहीं पे नॉन कंप्लायंस हो रहा है रिगार्डिंग दीज टू सेक्शंस 164 और 281, तो क्या होगा, द कोर्ट जो है, जो कोर्ट है वो टेक करेगी, ले लेगी एविडेंस इन रिगार्ड टू सच नॉन कंप्लायंस, क्योंकि कहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है इन सेक्शंस का। एंड इफ सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि दैट सच नॉन कंप्लायंस हैड नॉट इंज्योर्ड द अक्यूज इन हिज डिफेंस, कि अक्यूज का स्टेटमेंट लेना होता है तो वो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि अक्यूज के डिफेंस में किसी तरह का इंजरी नहीं हुआ है, वो सभी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं, तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था अंडर सेक्शन 164 और 281 बाय दैट कोर्ट, तो वहाँ पे उसको एडमिट कर लिया जाएगा। तो वो जो अक्यूज जो अपने डिफेंस में स्टेटमेंट बोला होगा तो वो सभी चीज़ें जो है एडमिट हो जाएगी। तो 464 बात करता है नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 164 एंड 281, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा है फिर भी अगर कोर्ट एविडेंस लेकर के ये खुद को सेटिस्फाई कोर्ट कर सकता है कि जो किसी तरह का इंजरी नहीं हुआ है अक्यूज के डिफेंस स्टेटमेंट्स में, तो वैसे स्टेटमेंट को जो है वो कोर्ट एडमिट कर लेगी, ठीक है। तो ये भी इरेगुलर प्रोसीडिंग हुआ लेकिन फिर भी इसको विशिएट नहीं करेंगे, ये एडमिट हो जाएगा जब कोर्ट सेटिस्फाई कर लेगा खुद को कि किसी तरह का इनजस्टिस या कोई इरेगुलरिटी रिगार्डिंग हिज अक्यूज्ड स्टेटमेंट्स, डिफेंस स्टेटमेंट, तो फिर वो एडमिट हो जाएगा, क्लियर। तो 464 हो गया। लेकिन अगर कोर्ट को ये हमेशा कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि इंजरी नहीं हुआ है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। अगर कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है और अगर ओपिनियन ऑफ कोर्ट में किसी तरह का अपील, कंफर्मेशन और रिविजन, अ फेलियर ऑफ जस्टिस हैज इन फैक्ट बीन ऑकेजन, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस अगर हुआ है तो क्या होगा, तो कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी फ्रेम करने के लिए चार्ज को और रिकमेंस करेगी ट्रायल को, या फिर एक फिर से फ्रेश ट्रायल करने के लिए बोलेगी, या तो दोबारा शुरू करने के लिए बोलेगी या तो एकदम शुरू से फ्रेश ट्रायल करने के लिए सलाह दे सकती है कोर्ट, ठीक है। और अगर कोई वैलिड चार्ज कैन बी प्रेफर्ड नहीं हुआ, इफ़ नो वैलिड चार्ज कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रूव्ड फैक्ट्स, तो क्या होगा, कन्विक्शन को जो है वो क्वाश कर देंगे। अगर जिस कोर्ट में वो पाया गया था जो भी प्रूवन फैक्ट्स है वो अगर वैलिड चार्ज नहीं बन पा रहा है अक्यूज के खिलाफ में, और अगर कोर्ट ने उसका कन्विक्शन कर रखा है, तो वैसे कन्विक्शन को जो है वो क्वाश कर सकता है,
ठीक है, फिर से सुनिए, इफ नो वैलिड चार्ज कैन बी प्रेफर्ड, अगर कोई वैलिड चार्ज प्रेफर नहीं कर पाया गया अगेंस्ट द अक्यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रूफ फैक्ट्स, अक्यूज के अगेंस्ट में जो प्रूफ फैक्ट्स है उसके अगेंस्ट में कोई भी वैलिड चार्ज अगर प्रेफर नहीं कर पाया गया तो उस केस में जो कन्विक्शन होगा वो क्या होगा, क्वाश कर दिया जाएगा। ये है सेक्शन 464। और अब आते हैं सेक्शन 465, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। 465 बात करता है कि अगर किसी तरह का इरेगुलरिटी प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस कंटेंड इन द कोड, कोई भी ओमिशन एरर या इरेगुलरिटी अगर कंप्लेन समन वारंट प्रोक्लेमेशन ऑर्डर और जजमेंट में अगर हुआ है तो विल इंटेल ए रिवर्सल और ऑल्टरेशन इन अपील और रिविजन ऑफ एनी फाइंडिंग अनलेस सच ओमिशन और इरेगुलरिटी हैज इनफैक्ट ओकेजन इन ए फेलियर ऑफ जस्टिस। क्लियर, क्या बात कर रहा है कि सेक्शन 465 में अगर कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पे कोई भी ओमिशन एरर इरेगुलरिटी अगर हुआ है और वैसा कोई भी वारंट समन और कंप्लेन में या अदर प्रोसीडिंग में अगर वो रिवर्सल हो जाता है अपील का या रिवीजन का किसी सेंटेंस को फाइंड किसी भी फाइंडिंग में, तो वैसा सेंटेंस और ऑर्डर जो है अनलेस सच ओमिशन और एरर और इरेगुलरिटी हैज इनफैक्ट ओकेजन इन ए फेलियर ऑफ जस्टिस, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो 465 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 466 में। तो 466 सेक्शन बात करता है किसी तरह का डिफेक्ट और एरर अगर है प्रोसीडिंग्स में रिलेटिंग टू अटैचमेंट, तो वैसा अटैचमेंट जो है अनलॉफुल नहीं हो जाएगा अगर जब तक कोई ग्रॉस इनजस्टिस या अनलॉफुल ये ना हो जाए। ठीक है, फेलियर ऑफ जस्टिस अगर ना हो जाए, ग्रॉस इनजस्टिस ना हो जाए, तो वैसे अटैचमेंट को अनलॉफुल नहीं डिक्लेयर कर देंगे जब तक कि प्रूफ ना हो जाए कि ऐसा कुछ इनजस्टिस हो रखा है तब तक। तो 466 बात करता है डिफेक्ट्स और एरर इन प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू अटैचमेंट, 466 अटैचमेंट से रिलेटेड बात करता है, तो ऐसे में अनलॉफुल उसको नहीं डिक्लेयर कर देंगे जस्ट बिकॉज कि एरर है प्रोसीडिंग्स में, जब तक वो ऐसा एरर जो है वो एक ग्रॉस इनजस्टिस नहीं क्रिएट कर रहा है तब तक वैसे अटैचमेंट को अनलॉफुल नहीं डिक्लेयर करेंगे। 466 क्लियर हो गया। 465 मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब भी कोई इरेगुलरिटी सपोज अगर हो रही है किसी समन में, किसी कंप्लेन में, वारंट में, प्रोक्लेमेशन में, जजमेंट में, ऑर्डर में या किसी अदर प्रोसीडिंग में, तो सिर्फ अगर इन सभी चीज़ों में एरर होने का ये मतलब नहीं है जो ऑर्डर और सेंटेंस है उसको रिवर्स कर देंगे, अनटिल एंड अनलेस जो है वो फिर से फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अनलेस सच ओमिशन, वैसी गलती, वैसा ओमिशन, वैसा एरर जो है कोई फेलियर ऑफ जस्टिस को ओकेजन नहीं कर रहा है तो फिर उसको हम लोग सेट असाइड नहीं करेंगे। क्लियर, फिर 465 ध्यान से सुनिए, 465 से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं इसीलिए मैं 465 पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो 465 बात करता है किसी भी वारंट में, कंप्लेन में, समन में, प्रोक्लेमेशन में, जजमेंट में, ऑर्डर में अगर किसी तरह का इरेगुलरिटी या एरर आ गया है और उसके वजह से जो भी सेंटेंस पास हुआ है उसको रिवर्स इसलिए नहीं कर देंगे सिर्फ इस वजह से कि हाँ उसमें ओमिशन है, अगर वैसा ओमिशन छोटा सा माइन्यूट कोई ओमिशन है या एरर है जिससे कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है, कोई फेलियर ऑफ जस्टिस ओकेजन नहीं हो रहा है, तो उसको हार्म नहीं हो रहा है कुछ भी, इसका मतलब जस्टिस प्रॉपर डिलीवर हो रहा है तो उसमें उसको रिवर्स या ऑल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये कहता है हमारा 465। तो आई होप 462 से लेकर 466 तक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर से क्विक रिकैप मैं दे देती हूँ, 462 बात करता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाके अगर काम कर रहा है तो उसको सेट असाइड नहीं कर देंगे अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस, ये सभी में अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस रहेगा। 463 बात करता है नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन कौन सा 164 एंड 281, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट में अगर हार्म नहीं हो रहा है, इंज्योर नहीं हो रहा है डिफेंस स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज तो उसको अलाउ कर देंगे। 464 बात कर रहा है चार्ज फ्रेम में ही अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, एरर हो गया है या किसी तरह का ओमिशन हो गया है तो उसको सेट असाइड नहीं कर देंगे बल्कि कोर्ट उसको एविडेंस कलेक्ट करेगी कि हाँ ऐसा चार्ज फ्रेम होने पे किसी तरह का फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है तो अब तो अलाउड है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, जस्टिस प्रॉपरली इसमें डिलीवर नहीं हो पाएगा तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि फिर से चार्ज फ्रेम हो और रिकमेंस करेगी ट्रायल को या फिर फ्रेश ट्रायल करने के लिए बोलेगी। ठीक है, और
इफ अगर किसी तरह का वैलिड चार्ज नहीं प्रूफ हो पाता है तो क्या होगा, वैसे कन्विक्शन को जो है वो क्वाश कर दिया जाएगा। ये है 464। 465 बहुत बार मैंने बताया रिगार्डिंग वो सब कंप्लेन में, समन में अगर प्रॉब्लम हुई है और वैसा सेंटेंस अगर आ गया है तो उसको रिवर्स नहीं कर देंगे ओनली बिकॉज कि उसमें एरर था। अगर इनजस्टिस नहीं हो रहा है डिलीवर तो फिर उसी को रखेंगे, अगर इनजस्टिस होगा तो फिर उसको सेट असाइड करेंगे। और 466 तो मैंने बता ही दिया अटैचमेंट से रिलेटेड है, तो 462 से 466 कवर हो गया है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 35 कंप्लीट होता है, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स ऑफ सीआरपीसी। आई होप ये दो वीडियोस देख लेने के बाद आपको इरेगुलर प्रोसीडिंग्स से लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं अराइज होगा, और अगर होता भी है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।